बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। क्लास सेवन, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, यूनिट नंबर फाइव। स्टूडेंट, हम यूनिट नंबर फाइव कर रहे हैं जिसमें स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स हमने सबसे पहले हमने इस यूनिट को स्टार्ट किया तो हमने लर्न किया व्हाट इज स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर हम कैसे फाइंड करते हैं। उसके बाद हमने स्टार्ट किया स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर इज दैट नंबर हुज स्क्वायर रूट इज गिवन नंबर। ठीक है ना, रूट से आपको क्या अंदाज़ा हो रहा है कि आपने स्क्वायर कौन से दो नंबर, कौन से नंबर से स्क्वायर बना था। ठीक है, कौन से नंबर को हमने सेम नंबर को मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास स्क्वायर आ गया। अब स्क्वायर रूट इसका क्या आ जाएगा, इनवर्स आ जाएगा। ठीक है ना, यानी कि जो आपके पास स्क्वायर बना वो कौन से नंबर से मिलके बना, हम अगर उसका स्क्वायर रूट ले लें तो वो नंबर आपके पास आ जाता है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो आज हम इसके क्वेश्चन 5.2 में क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 4 से 10 तक करेंगे। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्क्वायर रूट फाइंड किया था नेचुरल नंबर का। टुडे वी विल फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ अ फ्रैक्शन। ठीक है, अब हमने फ्रैक्शन के स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है, तो क्या कहते हैं, द स्क्वायर रूट ऑफ अ फ्रैक्शन इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द न्यूमिरेटर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ डिनोमिनेटर। द प्रोसीजर इज एक्सप्लेन थ्रू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, क्या आपके पास फ्रैक्शन पार्ट में, फ्रैक्शन अगर आपके पास आ गया फ्रैक्शन फॉर्म, तो उसमें आपने न्यूमिरेटर, फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन आपके पास क्या होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर होता है। ठीक है ना, द पार्ट ऑफ होल। तो आपके पास, जब हमारे पास न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर होगा तो हम सेपरेटली उनके स्क्वायर रूट लेकर उनको फाइंड करेंगे। तो हम अब क्वेश्चंस करते हैं, उसमें आपको इससे आपको प्रोसीजर की समझ आ जाएगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं, 17,161 डिवाइडेड बाय 169। अभी आपके पास कौन सी फॉर्म है स्टूडेंट्स, यस ये फ्रैक्शन फॉर्म है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमने क्वेश्चन लिख लिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, फर्स्ट वी विल टेक द स्क्वायर रूट। ठीक है ना, हमने स्क्वायर रूट ले लिया फ्रैक्शन का। अब मैंने आपको बताया है कि हम क्या करेंगे, दोनों का न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर सेपरेट स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, अब आपके पास 17,161 का स्क्वायर रूट आ गया एंड स्क्वायर रूट ऑफ 169 आ गया। ओके, अब स्टूडेंट हमने क्या करना है कि देखिए स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना आता है ना, मैंने आपको बताया कैसे हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हम लोग पेयर्स बना लेते हैं फ्रॉम राइट साइड। ठीक है, 2 का पेयर होता है, देखिए 16 का पेयर बन गया, 17 का बन गया, 1 रिमेनिंग रहे। तो अब हमने यहाँ पे ऐसे नंबर मल्टीप्लाई करना है जो कि हम न्यूमिरेटर, जिसको हमने क्वेश्चन में भी लेना है। ठीक है, तो अब हमारे पास 1 है, यानी कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1 आता है ना, तो हमने 1 ले लिया, 1 1 1। अब नेक्स्ट स्टेप, आपके पास नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या होगा, आप स्क्वायर रूट और डिवीजन में हम क्या करते हैं, जस्ट 1 नंबर हम नेक्स्ट शिफ्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में, लेकिन स्क्वायर रूट में हम पेयर शिफ्ट करते हैं। तो हमने 71 को शिफ्ट कर दिया। आप देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है, इन दो नंबर्स को डबल कर लेना है, यानी कि ऐड कर लेना है, 1 + 1 दैट इज 2। अभी आपका जो डिवाइज़र है, न्यू डिवाइज़र आपका क्या है, 2 आ गया। ठीक है, 2 आ गया, और ये जो आपके पास आ गया रिमाइंडर था, ये आपके पास क्या बन गया, अब डिविडेंड बन गया। अब हमने 2 के साथ ऐसा नंबर लेना है जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 71 आ जाए या 71 से कम आ जाए। अब आपने क्या करना है, जो नंबर यहाँ पे आपने लेना है 2 के साथ, जिस नंबर को लेना है वही आपने क्वेश्चन में भी लेना है। तो अगर हम 2 को 2 से 22 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 44 आ जाता है, तो हमने 3 से कर लिया। जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 23 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 69 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने इसको माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, मैंने इसको कैरी दिया, 11 में से 9 गया, 2 आ गया। अगेन वी शिफ्ट पेयर, डेट इज 61 को हमने शिफ्ट कर दिया। आप देखें नेक्स्ट स्टेप क्या है,
जो आपने फर्स्ट पेयर बनाया था उसको, फर्स्ट जो आपने डबल किया था टू, उसको आपने सेम लिख लेना है। आप थ्री को डबल करते हैं, थ्री प्लस थ्री, तो वो क्या आपके पास आ गया, सिक्स आ गया, 26। अब 26 के साथ ऐसा कौन सा नंबर हम ऐड कर लें, कौन सा नंबर हम लिख लें कि जब हम उसको मल्टीप्लाई करें तो 261 आ जाए। इसका मतलब है कि यहाँ पर हम अगर 1 ले लेते हैं, ठीक है ना, 1 आपने क्वेश्चन में भी ले लेना और 1 यहाँ पे जो डिवाइजर उसके साथ भी लिख लेना, तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है, 261। ये बात आपने याद रखनी है कि जो आपने डिवाइजर में नंबर लिया है वही आपने क्वेश्चन में भी लिखना है, स्क्वेयर रूट में, ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है। ओके, अब आपके पास स्क्वेयर रूट आ गया, स्क्वेयर रूट 17161 का क्या आ गया, 131। इट्स मीन व्हेन वी मल्टीप्लाई 131 टू टाइम इट्स गिव अस 17161। ओके, आप 169 का भी ले लेते हैं सेपरेट। अच्छा जी, पेयर बना लिया हमने 69 का और 1 रिमेनिंग रह गया। अब हमने पहला नंबर कौन सा लेना है, 1 लेना है, क्योंकि 1 और 1 को मल्टीप्लाई करें तब भी हमारे पास 1 आता है। जब हम अब शिफ्ट कर लेते हैं 69, 1 प्लस 1 इज 2। अब 2 के साथ हम ऐसा कौन सा नंबर लें जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 69 या उससे कम नंबर आ जाए। तो जब आप 23 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है ना, अगर हम 3 लेते हैं तो यहाँ हमारे पास क्वेश्चन में भी 3 आ जाते हैं, यानी कि 3 से ही हमने मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 3 3 9, 3 2 6, तो स्क्वेयर रूट ऑफ 169 आपके पास क्या आ गया, 13 आ गया। ओके, नाउ व्हाट इज द स्क्वेयर रूट ऑफ बोथ न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ 131 डिवाइडेड बाई 13। अब ये आपके पास फ्रैक्शन की कौन सी फॉर्म है, दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो वी ऑलवेज राइट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इन मिक्स फ्रैक्शन, तो सो वी डिवाइडेड। ओके, 13 1 13, ठीक हो गया। अब आपके पास 1 रिमेनिंग आ गया। अब हमने क्या करना है, 13 को 0 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0, फिर 1 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। इट्स मीन के 10 होल 1 डिवाइडेड बाय 13, ये आपके पास आ गया, इसका स्क्वेयर रूट का आंसर आ गया, यानी कि अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखें तो आपके पास ये इसका आंसर है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ओके तो स्टूडेंट, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 4। अब क्वेश्चन सिक्स में क्या कहते हैं, ओके, अब मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, तो मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, सबसे पहले हमने क्या करना है, सॉल्यूशन गिवन डेट क्वेश्चन लिखना है। मिक्स फ्रैक्शन में जब आपके पास गिवन हो फ्रैक्शन, तो हम सबसे पहले उसको कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर में, ठीक हो गया। अब देखें स्टेप क्या है, होल को मल्टीप्लाई कर लेते हैं डिनोमिनेटर के साथ और ऐड कर लेते हैं न्यूमिरेटर के साथ। तो 410 मल्टीप्लाई बाई 16 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 16, जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास फ्रैक्शन आ गई 6561 डिवाइडेड बाई 16। अब हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है, नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट। अब हमने जब इसका स्क्वायर रूट ले लिया, अब मैंने आपको बताया है कि हमारे पास जब फ्रैक्शन फॉर्म में होगी और स्क्वायर रूट लेंगे तो फिर हमने इसको सेपरेट न्यूमिरेटर पे भी स्क्वायर रूट ले लेना है और डिनोमिनेटर को भी स्क्वायर रूट कर लेना है और सेपरेटली इनको सॉल्व कर लेना है। ठीक हो गया स्टूडेंट। आपके पास क्या है, सबसे पहले हम न्यूमिरेटर को सॉल्व कर लेते हैं 6561। तो सबसे पहले क्या करना है, यस पेयर बनाना है राइट साइड से। अब 16 का पेयर और 56 का पेयर बन गया, ठीक है ना। अच्छा जी, अब क्या करना है, हमने 65 ने दो सेम नंबर लेने हैं जो हमें 65 या उससे कम नंबर दे दे। तो जब हम 8 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 आ जाते हैं, हमने माइनस किया 1। अब 61 के पेयर को हमने शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या है, 8 को आपने डबल कर लेना है, दोनों को ऐड कर लें तो 8 + 8 इज 16। अब 16 के साथ हमने ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है, ऐसा नंबर लेना है कि उसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करें तो हमें 161 दे दे या 161 से लेस नंबर दे दे। तो ठीक है, 161 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 161, माइनस के तो 0 आ गया, ठीक है, स्टॉप हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया, इससे आगे ये नहीं जा रहा। तो अब 8561 का स्क्वायर रूट क्या आ गया, 81।
16 का स्क्वायर रूट, ये तो सिंपल है, आपको पता है 4 4 16, तो हमारे पास अब क्या है 18 ओवर 4 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 6561 डिवाइड बाई 16। अब 18 ओवर 4 दोबारा से आपके पास कौन सी फ्रैक्शन आ गई, यस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने किस फॉर्म में लिखना है, मिक्स में। तो जब हम देखें इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 2 8 आ गया 1, तो 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया और माइनस किया तो 1 आ गया, ठीक है। अब आपके पास हमने इसको लिखना है किस तरीके से, मिक्स फ्रैक्शन में हम कैसे लिखते हैं, कोशेंट मल्टीप्लाई बाय रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर, 20 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ गया आपके पास मिक्स फ्रैक्शन में इसका आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गया आपको। अब नेक्स्ट क्या कहते हैं, अब हमारे पास फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ अ डेसिमल विच इज़ परफेक्ट स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब अगर आपके पास डेसिमल फॉर्म में क्वेश्चंस आ जाएं, ठीक है ना, डेसिमल क्या होता है आपके पास, यस पॉइंट, अगर आपके पास नंबर्स में डेसिमल आपके पास सेपरेट हुआ है विद पॉइंट, तो उसको आपने कैसे फाइंड करना है, उसके लिए देखिए क्या कहते हैं, टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल फॉर्मिंग रूल मस्ट बी फॉलो। अच्छा, मेक पेयर ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द डिजिट्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक हो गया स्टूडेंट। अब आपने क्या करना है, पहले आपने फ्रैक्शन में और सिंपल नेचुरल नंबर में पेयरिंग की थी लेफ्ट साइड से, ठीक है, लेफ्ट साइड से आपने पेयर बनाए थे 2 2 का, अब आपने पेयरिंग करनी है राइट साइड से, ठीक है, यानी कि आपने पेयर्स बनाने हैं, अब आपने सॉरी लेफ्ट से स्टार्ट करना है, ठीक है। इफ़ द लास्ट डिजिट ऑफ डेसिमल पार्ट ओनली 1 डिजिट प्लेस 0 ऑन इट्स राइट टू कम्प्लीट द पेयर्स, ओके। अब जब आप राइट साइड से पेयर बनाएंगे, अगर आपके पास लास्ट में एक नंबर रह जाता है तो उसके साथ आपने 0 ऐड करके उसको भी पेयर कंप्लीट कर लेना है। प्लेस द डेसिमल पॉइंट इन द क्वेश्चन आफ्टर डीलिंग विद द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द नंबर्स। अच्छा जी, इंटीग्रल पार्ट मीन होल पार्ट, जो आपके पास होल नंबर है पॉइंट से लेफ्ट साइड पे जो आपके पास नंबर्स हैं उनको सॉल्व करने के बाद आपने क्या करना है, उस पॉइंट को मूव कर देना है क्वेश्चन में, ठीक है। प्लेस 0 इन द क्वेश्चन वाइल टेकिंग डाउन 2 पेयर्स एट अ टाइम, ठीक है। अब आपके पास क्या है, अगर आप 2 पेयर्स एट अ टाइम शिफ्ट करेंगे तो आपने क्वेश्चन में 0 लगा देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपके पास डेसिमल के फॉर्म में आपने जब क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे तो ये चीज़ आपने करनी है, और ये तो फ्रैक्शन में भी आप कह सकते हैं, अगर आप एट अ टाइम 2 पेयर्स को शिफ्ट करेंगे तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन में 0 लगाना है। जिसमें डिविजन में हम 2 नंबर्स को अगर एट अ टाइम शिफ्ट कर रहे हो तो हम न्यूमरेटर में 0 तो फिर हम क्वेश्चन में 0 ऐड कर लेते हैं। इसी तरीके से हमारे पास जब हम 2 पेयर्स को शिफ्ट करेंगे तो फिर हम 0 लगाएंगे यहाँ, ठीक है। अब आपको ये रूल समझ आ गया, अब हम क्वेश्चन करेंगे आपको वहाँ पर ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपके पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं 50.253921। अच्छा जी, हमने क्या करना है, इसको फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। आपने क्या किया, स्क्वायर रूट में आपने क्वेश्चन लिख लिया 50.253921। आपने क्या करना है, आपने जो आपके पास इंटीग्रल पार्ट है उसकी पेयरिंग आपने सिंपल, ठीक है, राइट से लेफ्ट की तरफ करनी है, और जो आपके पास फ्रैक्शन पार्ट है उसकी राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है। देखें अब यहाँ पे हमने 50 का पेयर कर लिया, पॉइंट के बाद हमारे पास 25 का पेयर बन गया, 39 का और 21 का, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमने 50 को सॉल्व करना है, ठीक है, इंटीग्रल पार्ट यानी कि होल पार्ट को हम सॉल्व करें। तो अब 50 ऐसे कौन से 2 नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 50 या 50 से कम आ जाए, यस 7 7, जब हम 7 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर 49 आ जाता है, ठीक है। अब 50 में से 49 को माइनस करें तो 1 आ जाता है। अब नेक्स्ट क्या आपके पास, सिंपल आपने क्या करना है, इसको डबल कर लिया तो 14 आ गया, ओके। तो स्टूडेंट 14 आ गया, अब आपके पास, आपको मैंने स्टेप्स बताए थे, अब क्या करना है, इंटीग्रल पार्ट सॉल्व हो गए, इस पॉइंट को क्वेश्चन में हमने मूव कर दिया, ठीक है। आप देखें यहाँ पे आपके पास क्या है, 1, ठीक है, 1 रह गया था, यहाँ पे 14 है, स्मॉलेस्ट नंबर है, अब 25 को हमने शिफ्ट कर दिया, ठीक है।
अब देखें 125, अगर हम वन ये 14 के साथ अगर हम वन भी लें तो बिगर नंबर आ जाते हैं, यानी 141। तो हमने तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर लेना है, तो हमने क्या किया, आपको मैंने बताया कि अगर हमने दो पेयर शिफ्ट करने हैं तो हमने ज़ीरो ले लेना है क्वेश्चन में भी, और यहाँ पे जो हमारे पास न्यू डिवाइज़र है उसमें भी। अब ज़ीरो ज़ीरो यहाँ पे लिख के हमने नेक्स्ट, ठीक है 25 तो हमारे पास हमने पेयरिंग इसको शिफ्ट कर ली थी, लेकिन हमने एक और पेयर शिफ्ट करना है क्योंकि 125 इज़ लेस देन 1 इज़ लेस देन 14, ठीक है ना। 140 अगर हम 141 लेते हैं तो हमारे पास इसका लेस आता है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया कि हमने 08 इसमें ऐड कर लिया, ठीक है, हमने डबल पेयर ले लिया, डबल पेयर मूव कर दिया नेक्स्ट में। अब आपके पास ये डिविडेंड क्या बन गया, 12,539। अब हमने 140 के साथ ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई कर लें कि हमें ये नंबर मिल जाए या इससे स्मॉलेस्ट। तो 140 के साथ जब हमने 8 लिया और 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 11,264 मिल गया। अब जब हमने हमने इसको माइनस किया तो हमारे पास 127 आ गया, ठीक है। 9 में से 4 माइनस किया 5, 13 में से 6 माइनस किया 7, 4 में से 2 माइनस किया 2, 2 में से 1 माइनस किया 1 आ गया। अच्छा जी, आप देखिए हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब हमने इसको ऐड कर लेना। 140 में अगर हम 140 में 8, ठीक है ना, अब इस 8 को हम ऐड कर लें, ठीक है, तो हम इसको ऐड करें तो हमें आ जाता है 1416। अच्छा जी, अब ये देखें 1275 है, यानी कि 1416 इज़ बिगर, तो हमने 21 का पेयर शिफ्ट कर लिया, ठीक है, ताकि ये बिगर नंबर बन जाए। 416 के साथ हम ऐसा कौन सा नंबर लें जिसको मल्टीप्लाई करें तो हमें ये नंबर मिल जाए या इससे स्मॉलेस्ट। तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 9 लेके 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर में आ जाता है 1,27,521, ठीक है। फिर इसको माइनस कर लिया तो रिमाइंडर 0 आ गया। इट्स मीन स्क्वेयर रूट ऑफ 50.253921 इज इक्वल टू 7.089, ठीक हो गया स्टूडेंट। अब आपको समझ आ गई ना कि किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया, पॉइंट्स को मूव करने की भी समझ आ गई, ज़ीरो क्यों लगाया उसको भी आपको समझना चाहिए, और आप रफ वर्क में टेबल्स को करते हुए आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट है 8। 8 में क्या है, 0.0676 डिवीजन मेथड से करना है। अब ये 0 को हम अगर आप फर्स्ट स्टेप में 0 को 0 से मल्टीप्लाई कर भी रहे तो उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं पड़ता, तो हमने क्या किया 0 और पॉइंट को मूव कर दिया, और ये जो फ्रैक्शन पार्ट है इसकी पेयरिंग की भी है इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जी, 0 6 मीन 6 हमें चाहिए, तो हम 2 ऐसे कौन से दो नंबर मल्टीप्लाई करें जिससे हमें 6 मिल जाए या उससे कम सेम नंबर, तो 2 2 4, 6 में से 4 माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 2। अच्छा जी, अब ये 2 है इसको डबल करें तो ये 4, अब 2 इज़ लेस एंड 4 इज़ ग्रेटर, लेकिन हमने 4 के साथ एक नंबर लेना है जिसको हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमें 276 दे दे या उससे स्मॉलेस्ट नंबर दे दे, ठीक है। जब हमने 46 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 276 आ गया, जब माइनस किया तो रिमाइंडर 0 आ गया। इट्स मीन स्क्वेयर रूट ऑफ 0.0676 इज 0.26, ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये इसका स्क्वेयर रूट आ गया। अब 10 पार्ट में क्या कहते हैं, सॉल्यूशन गिवन है 1.2769, वही डिवीजन मेथड आपने करना है। अच्छा जी, पहले आपने क्या करना है, पेयरिंग कर ली फ्रैक्शन पार्ट की, आपने राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है, सॉरी लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है 27 और 69 को, और यहाँ पर सिंगल नंबर है तो ये तो 1, ठीक है, इंटीग्रल 1 ही है। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, ठीक है। अब इंटीग्रल पार्ट फिनिश हो गया, अब क्या करना है, इस पॉइंट को क्वेश्चन में शिफ्ट कर देना है। 1 1 को डबल करें तो 2 आ जाता है, आपने पेयर शिफ्ट किया 27। ओके,
दिस इज 27। अब 2 के साथ ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि 27 या उससे कम आ जाए, तो 2 के साथ हमने 1 को मल्टीप्लाई करी। जब 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 लेके 21 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 21 आ गया, जबकि 2 से कहते 44 आ जाता जो कि बिगर था, तो हमने इसलिए 1 ले लिया। ओके, ये आपके पास। अब माइनस किया तो क्या आ गया, 7 में से 1 माइनस किया 6 आ गया। अब इसको क्या कर लेना है, 21 प्लस 1 कर लें तो आपको क्या मिल जाता है, 22। ठीक है, अब आपने क्या किया, ये 22 है और ये आपके पास क्या है, 66 है। अब आपने 69 का पेयर आपने शिफ्ट किया, क्योंकि ये 6 था और ये 22 था, आपने पेयर शिफ्ट किया 69। अब 669 22 के साथ ऐसा कौन सा नंबर हम ले लें जो उसको हम मल्टीप्लाई करें तो 669 आता है। तो हमने 22 को 3 के साथ जब हमने 3 ऐड किया और 3 को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 22 को 223 और 3 से मल्टीप्लाई किया तो 669 आंसर आ गया, यानी कि इट्स कंप्लीट। ठीक है, अब आपके पास क्या है, अब आपके पास आ गया 60, ये माइनस किया है, इनसे स्क्वेयर रूट ऑफ 1.2769 इज इक्वल टू 1.13। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पास इसका स्क्वेयर रूट आ गया। अब आपको इसकी समझ आ गई, कितना इजी है ना, जस्ट सिंपल स्क्वेयर रूट, डेसिमल में आपके पास क्या डिफरेंस, आपने पॉइंट को मूव कर देना है, ठीक है, क्वेश्चन में मूव करके बाकी स्टेप्स वही हैं जो कि फ्रैक्शन पार्ट में किए और सिंपल में आपने किए। ओके तो स्टूडेंट्स, अब आपका होमवर्क में 549 ये आपका होमवर्क है, ठीक है, एंड काइंडली सबमिट योर नोटबुक एंड वर्कशीट टू स्कूल फॉर चेकिंग, थैंक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो काइंडली ये काम अपना कंप्लीट करें और अपनी नोटबुक उस स्कूल और वर्कशीट उस स्कूल सेंड करें ताकि हम उनकी चेकिंग कर लें। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।